बहादुरगढ़ से दीपक सैनी की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ शहर में 9 अक्टूबर मंगलवार को नगर पालिका सफाई कर्मचारियों का विशाल धरना व हड़ताल 12वें दिन भी जारी रही। वहीं विशाल धरने व हड़ताल की अध्यक्षता जिला प्रधान राजेंद्र तुषामण ने की व मंच का संचालन इकाई सचिव राजपाल ने किया। नगर पालिका सफाई कर्मचारियों ने अपनी मान सम्मान की लड़ाई को लेकर हरियाणा सरकार व जिला प्रशासन से बार बार बताया जा रहा है। वहीं आरोपी मनोनीत पार्षद पालेराम शर्मा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने फैसला किया है। वहीं आज सभी 87 नगर पालिकाओं व नगर परिषदों के सभी कर्मचारी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके उपायुक्त महोदय के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपे गया। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई बहादुरगढ़ में नगर परिषद कार्यालय से झज्जर मोड़ लाल चौक से होते हुए शहर में बस अड्डे तक सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और बहादुरगढ़ के SDM श्री जगन्निवास महोदय के द्वारा अपना मांग पत्र सौंपना था, परंतु वह नहीं पहुंच सके और अपनी जगह बहादुरगढ़ के तहसीलदार नरेंद्र दलाल को भेज दिया और वहीं तहसीलदार नरेंद्र दलाल ने धरना स्थल पर आकर मांग लिया, मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया। नगरपालिका सफाई कर्मचारियों के समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला वरिष्ठ प्रधान व बिजली विभाग आल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन हेड ऑफिस हिसार के राज्य सचिव बंशीलाल, सर्कल सचिव रविंद्र दलाल, यूनिट सचिव प्रदीप चिकारा, यूनिट वरिष्ठ प्रधान व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा बहादुरगढ़ ब्लॉक प्रधान विजेंद्र सैनी, हरियाणा PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिश यूनियन 41 के ब्रांच प्रधान जगदीश कुमार, C2 जिला प्रधान व मिड डे मील राज्य प्रधान सरोज दुजाना, ग्रामीण चौकीदार जिला सचिव सतबीर बादली, ग्रामीण चौकीदार प्रधान नरेश कुमार, AIUTUC जिला सचिव सतीश कुमार, सफाई कर्मचारियों को समर्थन भी किया और सभी ने संयुक्त रूप से कर्मचारियों को संबोधित भी किया और प्रदर्शन में सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। आज हमारा बार मातम है और हमारी मांग थी कि पाले शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन हमारे को कल बैक आ दिया कि पाले शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है, हम कामे पे चले जाओ। लेकिन हमने DC साहब को भी NSDM को भी बताया था, हम काम करने के लिए तैयार है, हम काम करने के लिए नहीं मना नहीं कर रहे, लेकिन पाले को हमारे को दिखाया जाए पाले कहाँ गिरफ्तार कर रखा है और कौन सी धारा गिरफ्तार कर रखा है, लेकिन हमारे को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए हमारा आज 12वें दिन भी हड़ताल जारी है। और वही दूसरी बात आंदोलन की, ये आंदोलन अब बहादुरगढ़ का ही नहीं पूरे हरियाणा स्टेट लेवल का है। कहाँ कहाँ हो रहा है आज? ये आज पूरे हरियाणा के अंदर 22 जिलों के अंदर। उसके बाद अब भी सरकार ने गिरफ्तारी नहीं की? अगर सरकार ने अभी गिरफ्तार नहीं करती है, बहादुरगढ़ का प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं करवाता है, तो जो हमारा राज्य प्रधान नरेश शास्त्री जी ने जो आंदोलन एक दिन का किया था, पूरे शहरों को DC के माध्यम से हमें ज्ञापन देंगे, वो आज अब पूरे हरियाणा के अंदर किया गया है। और आज भी ये प्रशासन ये सरकार नहीं जागती है तो आगे के लिए जो आंदोलन जो स्टेट कमेटी रखेगी उस आंदोलन के लिए पूरा हरियाणा उसको सपोर्ट करेगा। आज ये जो नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये आज लगभग 11वां दिन है इन कर्मचारियों को यहाँ नगर पालिका के गेट के सामने प्रदर्शन करते हुए मनोनीत पार्षद है श्री पालेराम जी, उनके द्वारा जो है कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसका नगर पालिका के अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज करावा है, जिसमें SC ST का जो है एक धारा लगाई हुई है। लेकिन आज 11वां दिन हो गया जो उसे अधिकारी को जो है पार्षद को गिरफ्तार नहीं किया गया, इसके जिलों शहरों बाद पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नाम जो है ज्ञापन भी किया गया किसी कार्यालय किसी महोदय के द्वारा, तो आने वाले टाइम में ये आंदोलन और बड़ा रूप ना ले, इसलिए हम ये चाहते हैं कि भाई सरकार किसी अधिकारी की या जो है यहाँ के विधायक जी अपने नरेश कौशल जी वो किसी की ड्यूटी लगाए और इस मसले को जल्द से जल्द हल करने का कार्य करें, क्योंकि इसमें शहर की जनता भी बीच में खींच रही है और एक जो अपराध और उसके विरुद्ध FIR दर्ज है उसमें कार्रवाई जरूर होनी चाहिए कानूनन, अगर वो दोषी नहीं है तो उनको, और अगर दोषी है तो कानून अपना काम करे, तो ये जो
किसी प्रकार का दबाव भी मतलब बनाया जा रहा है कर्मचारियों पर, वो भी ये ना होना चाहिए। तो सर कर्मचारी संघ की तरफ से हम यही कहते हैं, हम मध्यस्थता करने के लिए भी तैयार है और इसको जो है कोई आए बातचीत कर ठोस से नतीजा इसका निकाला तो ये नहीं, तो सर कर्मचारी संघ तो कर्मचारियों के मान सम्मान के लिए हमेशा जो है कर्मचारी के साथ रहा है, यही है हमेशा ही। तो यही है कि भाई सरकारी की तरफ से या विधायक की तरफ से पहल हो और हम कर्मचारियों की तरफ से हम भी इसमें मध्यस्थता करके इसमें निपटाने का कार्य करते हैं।